Welcome, dear grade 1. This is your maths class. Please open page number 50. First of all, write down the date and the day on the top of your page. Today is 17th of July 2020. CW in the middle and the day is Friday. Okay, so today we are going to do the exercise of unit 2. The first question is fill in the blanks. सबसे पहले हमने blanks को fill करना है. 6 plus 0 is equal to 6. यहाँ पर 6 आएगा because 0 is nothing. 0 has no value. The next one is tens are always added to tens. 10 plus 8 is equal to 18. Dash plus 6 is equal to 17. अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है. अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है जिसको हम 6 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा. द डिजिट इज 11. 11 को जब हम 6 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 17. द नेक्स्ट वन इज 22 प्लस 36 इज इक्वल टू. अब आपने सबसे पहले वंस को प्लस करना है. 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. आंसर इज 58. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द पेटल्स विद द करेक्ट आंसर. अब हमारे पास सेंटर में 16 दिया हुआ है. अब आपने इन पेटल्स में देखना है कि कौन कौन से डिजिट्स हैं जिनका आंसर जब इन दोनों डिजिट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा. 8 प्लस 6, क्या 8 को प्लस 6 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आएगा? ओके क्लास, सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास फर्स्ट डिजिट्स हैं 8 प्लस 6. 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. अब ये 16 तो नहीं बनता, ये रॉन्ग है. 12 प्लस 4, अब हमने 12 में 4 प्लस किया तो 16 आंसर आया. इट्स मीन कि इस पेटल को आपने कलर करना है. 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15, यहाँ तो हमारे पास 16 है, इसमें भी आपने कलर नहीं करना. 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16, इट्स मीन ये भी करेक्ट है, आपने इसको भी कलर करना है. नेक्स्ट है 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, इसमें भी आपने कलर नहीं करना क्योंकि 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 नॉट 16. नेक्स्ट वन इज 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, अब आपने इस पैटर्न में भी कलर करना है. अब आपने इन तीनों पैटर्न्स में कलर करना है क्योंकि ये जो तीनों पैटर्न्स में डिजिट्स हैं जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर बनता है 16. नेक्स्ट वन इज 13. अब हमने ऐसे डिजिट्स को कलर करना है जब हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर 13 आए. 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, इसमें भी आपने कलर नहीं करना. 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, अब आपने इसमें भी कलर करना है. 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, इसमें आपने कलर नहीं करना. 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने कलर करना है. 8 प्लस 7, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, इसमें भी आपने कलर नहीं करना. 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, अब आपने इसमें कलर करना है. यानी इन थ्री पैटल्स में आपने कलर करना है क्योंकि इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, तीनों के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो उनका सेम आंसर 13 ही आएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपके पास नीचे जो है उन्होंने वन वन डिजिट को मिसिंग दिया हुआ है, ठीक है, एक डिजिट उन्होंने नहीं लिखा हुआ और आपने उस डिजिट को ऐड करके कंप्लीट करना है. यानी इसको कि इसमें ऐसा कौन सा डिजिट आएगा जिसको हम ऐड करने से वो हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. अब ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसको हम
9 के साथ जब हम इसको प्लस करेंगे तो वो हमारे पास आंसर जो है वो 16 आएगा। अब इसमें हम 8 प्लस करेंगे, 9 प्लस a इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट है डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब ऐसा कौन सा डिजिट होगा जिसको हम इसमें लिखेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 11 हो जाएगा, 6। इसी तरह 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। इसी तरह से क्लास बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स इनफ टुडे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द सब्ट्रैक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।